नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 14 अप्रैल बुधवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। ममता ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने अकेले 3 घंटे तक धरना दिया। ईसी ने 24 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। पश्चिम बंगाल की सीआईसी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। भड़काऊ बयान पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था। इसके विरोध में ममता ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास अकेले ही धरना दिया। वे चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रही है। वे यहां व्हीलचेयर पर ही पहुंची और पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया। और इसी के साथ बात करेंगे, 24 घंटे में खंगाला 9000 मोबाइल यूजर्स का डेटा। सचिन वजीर को मुंबई पुलिस में बर्खास्त करने की तैयारी। एंटीलिया केस और मनसुख हिरने की मौत के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात भी सामने आ रही है कि इस केस के सॉल्व होने की बड़ी वजह एक बार गर्ल थी। दरअसल 4 मार्च को मनसुख हिरने के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया था। इस कॉल को ट्रेस करने के बाद महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड मुंबई की एक बार डांसर तक पहुंची और उसके जरिए क्रिकेटर बूरी गोरे उनकी पकड़ में आया। इस मामले में एक और खुलासा हुआ। और इसी के साथ बात करेंगे, गोवा में भाजपा की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने छोड़ा एनडीए का साथ। सरकार पर बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाया। भाजपा की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को एक और बड़ा झटका लगा है। गोवा में भाजपा की सहयोगी पार्टी रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी ने एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने एनडीए के चेयरमैन और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अलग होने की बात कही है। हालांकि 2019 से ही दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी है। जीएफपी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। विजय सरदेसाई ने आरोप लगाया कि प्रमोद सावंत की अगुवाई वाली सरकार के फैसले एंटी गोवा नीतियों के तहत आते हैं। ये गोवा की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बंटवारे की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सरदेसाई ने कहा कि भाजपा सरकार अब करप्शन में घिर चुकी है और यहाँ ईमानदारी बिल्कुल नहीं रही है। और इसी के साथ बात करेंगे, कल शाही स्नान में 20 लाख लोग जुटने की आशंका। पिछले साल तबलीगी जमात में 2000 लोग जुटने का हंगामा हुआ था। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और उधर हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी है। मौका है कुंभ के तीसरे मुख्य शाही स्नान का। कुंभ की यह भीड़ देश भर में सुपर स्प्रेडर बन सकती है। हरिद्वार में मेला प्रशासन के अनुमान के मुताबिक इस समय मेला क्षेत्र में करीब 1.5 लाख लोग मौजूद हैं। 14 अप्रैल यानी शाही स्नान के दिन भीड़ 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। स्थानीय प्रशासन मान रहा है कि मेले में 2 गज दूरी और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना नामुमकिन है। शाही स्नान के दौरान तो यह संभव ही नहीं है, ऐसे में कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। और इसी के साथ बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 50 देशों के 150 से ज़्यादा स्पीकर्स शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से इस बार ये संवाद कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित हो रहा है। आज से शुरू होने वाला ये संवाद 16 अप्रैल तक चलेगा। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कराया जा रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे, मार्च 2021 में 98.6 टन सोना आयात, पिछले साल मार्च के 13 टन के मुकाबले 8 गुना ज्यादा। देश में सोने की मांग फिर बढ़ने लगी है। इस साल मार्च में देश में 98.6 टन सोने का आयात हुआ, जो मार्च 2020 से 8 गुना है। मार्च 2020 में 13 टन सोने का आयात किया गया था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार मई 2019 के बाद सबसे ज्यादा आयात है। ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्च तिमाही के दौरान देश में पिछले साल की तुलना में आयात 2 गुना बढ़कर लगभग 190 टन रहा है। और इसी के साथ देश की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।